हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET एडमिट कार्ड के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, CUET UG 2022 का जो एडमिट कार्ड है उसे जारी कर दिया गया है और सभी अभी डाउनलोड कर रहे हैं। आप भी डाउनलोड कर चुके होंगे, लेकिन गाइस उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है। जैसे कि आप लोग देखोगे तो आप लोग जो है अभी स्क्रीन पे देख पा रहोगे, इसमें एक अंडरटेकिंग भी दिया गया है। तो अंडरटेकिंग को फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को CUET UG 2022 के अंडरटेकिंग फॉर्म को भरना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोगों को कंप्लीट इस वीडियो को देखना है। ओके, अदरवाइज आप लोगों को एग्जाम सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप लोगों को मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोगों को जो है एक डिक्लेरेशन भी यहाँ पे फिल करना होगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे ही देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम भरना होगा, रेसिडेंट ऑफ जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो आप लोगों को यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पे अगर आप जो है 14 डेज में अगर आपको फीवर था, कफ था, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है टिक करना होगा। देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे टिक कर देना होगा, अदरवाइज आप लोगों को इसे ब्लैंक छोड़ देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है कहीं भी किसी भी सिटी में आप लोग ने अगर ट्रैवल किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे सिटी नेम लिखना होगा और उन सिटीज़ के दौरे से आप लोग जो है रिटर्न आए हो। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होगा, अदरवाइज आप लोगों को ये ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आप लोग देख पा रहोगे, यहाँ पे बताया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। नीचे यहाँ पे बताया गया है कि ये तीनों कॉलम जो दिए गए हैं ये आप लोगों को छोड़ देना है। ये आप लोगों को एग्जाम हॉल में इनविजिलेटर के सामने ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें फिल करना होगा। यहाँ पे आप लोगों को फोटो चिपकाना है, यहाँ पे आप लोगों को अपना थंब इम्प्रेशन देना है और यहाँ पे आप लोगों को इनविजिलेटर के सामने अपना सिग्नेचर करना है। ओके, सो ये आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखना है और नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा।